जय श्री राम। नमस्कार, वनकम। मेरा वीडियो देखने वाला सबको मेरा स्वागत है। आज थोड़ा मतलब स्किन के साथ एक हफ्ता का पहले मिला था, वो शंक थोड़ा ग्राइंडिंग करके फिनिशिंग करके पॉइंटर, मतलब ये शंक अभिषेक करने के लिए यूज़ करता है। उसके लिए ग्राइंडिंग करके दो पीस रेडी किया था, एकदम बड़ा सुंदर पीस, एक नंबर बड़ा है, बढ़िया है। लेकिन वो आपके पास ऑलरेडी मैं दिखाया, वैसा 7-8 पीस लग रहा है लगभग, वो पूरा कीड़ा का साथ स्किन के साथ था। अभी स्किन निकाल के ये बना कर रखा है, ग्राइंडिंग एक्सपोर्ट क्वालिटी है, एकदम क्लियर पीस, एकदम क्लियर। तो साइड में पूरा काट के क्लियर करके फिनिशिंग करके रखा है, एकदम सुंदर है, बड़ा भी है, बढ़िया भी है। इसमें अभिषेक करता है, इसमें पूजा करता है, ये बजाने के लिए यूज़ नहीं करता है। ये साइड में देख लीजिए, एकदम क्लियर है, पॉइंटेड पीस, ये देख लीजिए। और अब क्लियरली देख लीजिए, आपको पता हुआ, ऑलरेडी आपको दिखाया सेम शंख में दो पीस ग्राइंडिंग किया, स्किन निकालने के बाद फिर ग्राइंडिंग करने के बाद। बहुत लोग पूछता है वो अभिषेक करने के लिए बड़ा शंख चाहिए, ऐसा है। ये वजन भी 2 किलो का आसपास रहता है, चीज़ एक नंबर बढ़िया है, सुंदर भी है। इतना बड़ा देख लीजिए, इसमें अभिषेक किया तो बहुत अच्छा लगता है, बहुत सुंदर रहता है। सब संग बजने के लिए यूज़ नहीं करता है, कोई कोई शंख अभिषेक करने के लिए यूज़ करता है, कोई लोग दक्षिणावर्ती शंख भी अभिषेक करता है, लेकिन वामावर्ती में भी अभिषेक करता है। और एक बात है, इसके ऊपर आप सोना नहीं तो चांदी भी बना के भगवान का अभिषेक कर सकते हैं। आपको वो ऐसा डायरेक्टली भी कर सकते हैं, और इसमें सोना चांदी ऊपर ऐसा बना के, वो एक्चुअली वो सोनार का आदमी लोग का सब लोग का पता है, इसमें पूरा ऊपर सोना चांदी कुछ बना के अभिषेक करने के लिए यूज़ करते हैं। सोना चांदी बनाने के बाद ये थोड़ा और भी इसका आधा मतलब 1 कुंटल बड़ा लगता है देखने के लिए, देखने के टाइम इससे बड़ा लगता है, और भी ज़्यादा बड़ा हो जाएगा। भगवान का आशीर्वाद से दो पीस बढ़िया शंख है, ये बड़ा है, ये हल्का से छोटा है, दोनों भी बढ़िया है। इसमें किसी का आइडिया है तो पता देना, मैं आपको दूसरा दिन दूसरा और भी बढ़िया शंख से मिल जाएगा। जय श्री राम। नमस्कार, वनकम।